ओके तो मुझे कोई ये समझाओ कि जब इसका पहला ही सीजन इतना वाहियात था तो इसका दूसरा सीजन काहे को लेकर आ रहे हो यार। कौन है वो लोग जो ऐसे सीजन ऐसी सीरीज को पसंद करते हैं और वो मांग करते हैं इनके न्यू सीजन की। मैं बात कर रहा हूँ फोर मोर शॉर्ट्स की, जो फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज ये पूरा नाम है इस सीरीज का। इसका सेकंड सीजन, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है कुछ एक टाइम पहले, जो 17 अप्रैल को अमेजोन प्राइम पर रिलीज होने वाला है। अगर किसी ने इस सीरीज का पहला सीजन नहीं देखा तो डोंट वरी, आपने कोई बड़ी चीज़ मिस नहीं कर दी। और बल्कि आपके लिए तो खुशखबरी है कि आप एक ऐसी मानसिक बीमारी से बचे हुए हो। अगर मैं इस सीजन का फर्स्ट सीजन इसका मैं अगर आपको रिकॉल यानी मैं याद करूं, अगर आपको बताऊं तो सच कहूं तो मुझे अभी उल्टी हो जाएगी। फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा सचेत करने के लिए इसके बारे में मैं बता देता हूँ, इसके फर्स्ट सीजन के बारे में। इसके फर्स्ट सीजन में, जैसे इसका नाम है फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज, तो ये अपने नाम को पूरी तरह जज करता है। यानी इस सीजन में, यानी इस पूरी सीरीज में दारू के अलावा और सेक्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इतनी वाहियात ये सीरीज है, इतनी ही वाहियात उसकी एक्टिंग, उतनी ही वाहियात इसकी कहानी। सॉरी, वाहियात कहानी नहीं है, कहानी तो है ही नहीं इस सीजन में। वुमन एम्पावरमेंट और वुमन के फ्रीडम पर बनी ये सीरीज इतनी घटिया है, जो वुमन को ये सिखाती है कि उसे दारू पीनी चाहिए, उसे सेक्स करना चाहिए, यही वो फ्रीडम और यही एम्पावरमेंट है। मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई भी इसका फर्स्ट सीजन बिना सर में दर्द हुए और बिना उल्टी के देख ही नहीं सकते, क्योंकि जितना इसके अंदर कचरा डाल सकते थे उतना इसके क्रिएटर ने इसके अंदर कचरा डाला है। अब इसका सीजन 2 आ रहा है 17 अप्रैल को, ये कोरोना इनको क्यों नहीं हो सकता था? जब इसका सीजन फर्स्ट देखने में ही हालत खराब हो गई थी, क्या जरूरत थी इसका सीजन 2 बनाने की? और इसका सीजन 2 का ट्रेलर भी शुरू कहाँ से होता है? सिर्फ सेक्स से। वाह क्या बात है, कोई इसका ट्रेलर देखकर मुझे इतना ही गैस करके बता दो कि इसमें ये कहानी है। अरे ट्रेलर छोड़ो, जब ये सीजन रिलीज भी हो जाए तब ये देख के बता देना कि इसमें ये कहानी थी। अरे कहानी है ही नहीं उसके अंदर। इसके 3 मिनट के ट्रेलर में दारू और गंद के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, और फिर ये दिखाते हैं कि ये वुमन एम्पावरमेंट और वुमन की फ्रीडम की बात करते हैं। जबकि इसका ट्रेलर देख लो, इसके पूरे ट्रेलर में आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कैसे वुमन का यूज़ किया है पैसे कमाने के लिए, ना कि उनकी वुमन की एम्पावरमेंट या वुमन के फ्रीडम के ऊपर इन्होंने कुछ बात की हो। जो मॉडर्न वुमन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो ये दारू पीने या सेक्स करने से, सॉरी टू से, छोटे कपड़े पहनने से भी नहीं होती, वो दिमाग का सही यूज़ करने भी होती है, जो इनके पास तो है नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा इसके क्रिएटर्स ने सोचा कैसे इसका सीजन 2 लाने के बारे में। मैंने जहाँ तक इसके सीजन फर्स्ट के बारे में रिव्यू पढ़े थे, लोगों ने इसके ऊपर गालियाँ लिख रखी थी। कौन है वो लोग जिन्होंने इसके सीजन 2 को पसंद किया? सच में तुम लोगों को मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाना चाहिए। तुम लोगों को बहुत जरूरत है अपने दिमाग का इलाज कराने की। तुम तो कोरोना वायरस से भी भयंकर हो, क्योंकि तुम तो ऐसी खतरनाक मानसिकता लेके बैठे हुए हो। और लास्ट में यही बोलूंगा, अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा है तो आप एक बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हो, और इसी सुखी जीवन को आप निरंतर रखना चाहते हो तो इसके सीजन 2 से दूर ही रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।